12 नवंबर 2020 को गांव नचौली निवासी ट्रांसपोर्टर रॉकी नागर पुत्र ज्ञानचंद की गोलियों से भूनकर हत्या का मास्टरमाइंड गांव भैसरावली निवासी मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश विनोद उर्फ बिन्नी पुलिस की गिरफ्त में आखिरकार आ ही गया। बिन्नी अलवर राजस्थान में छिपकर बैठा था। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विमल कुमार और संदीप मोर ने वहां छापेमारी कर बिन्नी को उसके तीन साथियों भैसरावली निवासी राहुल उर्फ नन्नू, चांदहर पलवल निवासी अजीत और तिगांव निवासी कपिल सहित दबोच लिया। बिन्नी पर हरियाणा पुलिस ने 50,000 जबकि बाकियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। ये फरीदाबाद पुलिस से बचने के लिए पहले दिल्ली NCR के शहरों में चेहरा छिपाकर रहते थे। बाद में राजस्थान के अलवर जिले में एक सुनसान स्थान पर बने मकान को किराए पर लेकर रह रहे थे। मृतक रॉकी नागर गांव भैसरावली निवासी बदमाश कुलभूषण उर्फ कुल्लू का छोटा भाई था। करीब एक साल पहले कुलभूषण उर्फ कल्लू और उसके साथियों ने विनोद उर्फ बिन्नी के भाई अन्नी को ग्रेटर फरीदाबाद में वर्ल्ड स्ट्रीट ओमैक्स के पास शाम को गोलियों से छलनी कर दिया था। इसमें अन्नी की मौत हो गई थी जबकि भूरा का पैर काटना पड़ा था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए विनोद उर्फ बिन्नी उसी दिन से मौके के इंतजार में था। 50,000 के इनामी बदमाश विनोद उर्फ बिन्नी ने अपने भाई अन्नी की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर कुलभूषण को मारने की योजना बनाई, लेकिन कुलभूषण पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल भेज दिया गया। 1,00,000 का इनामी कुलभूषण पर दिल्ली NCR में हत्या, लूट, रंगदारी के कई केस दर्ज हैं। इसके बाद विनोद उर्फ बिन्नी ने कुलभूषण के भाई रॉकी की हत्या की योजना बनाई। 12 नवंबर 2020 को 1,00,000 के इनामी बदमाश कुलभूषण का भाई रॉकी नागर जब वो जसाना रोड नियर लिग्यास कॉलेज स्थित अपने ऑफिस में बैठा था तब विनोद उर्फ बिन्नी ने अपने 8-10 हथियारबंद साथियों के साथ कारों और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और ऑफिस में घुसकर रॉकी नागर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी। हमलावरों ने मौके पर 20 से अधिक गोलियां चलाईं, जिनमें 16 गोलियां रॉकी को लगी। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात फरीदाबाद के थाना भूपानी इलाके में हुई। दो गुटों में गैंगवार का जिले में संभवतः यह पहला मामला था। इस मामले में राखी के पिता ज्ञानचंद की शिकायत पर पुलिस ने गांव भैसरावली निवासी बिन्नी व गांव ताजपुर निवासी चुटिया सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रॉकी नागर हत्याकांड में बिन्नी के अलावा राहुल उर्फ नन्नू, अजीत, मोहित उर्फ चुटिया व कपिल के नाम आए। मोहित उर्फ चुटिया को पिछले सप्ताह STF गुरुग्राम ने गिरफ्तार किया था। अब बाकी आरोपित भी गिरफ्तार हो गए हैं। बिन्नी के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती व मारपीट के करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वह अपने भाई के साथ गिरोह चलाता था। वहीं कुलभूषण उर्फ कुल्लू भी फ्रैक्चर गैंग चलाता था। दोनों गिरोह के सभी बदमाश अब जेल के भीतर हैं। वारदात में प्रयुक्त हथियार व वाहनों की बरामदगी के लिए ये आरोपितों को अदालत से रिमांड पर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया क्राइम ब्रांच 17 और 30 की टीम 5 माह से बदमाशों की तलाश में लगी थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश अलवर जिले में किराए पर मकान लेकर रह रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने बुधवार रात छापेमारी कर चारों को दबोच लिया। इनके कब्जे से स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है। बदमाशों को रिमांड पर लेकर गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया पकड़े गए इनामी बदमाश फरीदाबाद, गुड़गांव व पलवल जिले में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए गैंग बनाकर अपराधों को अंजाम देते हैं। आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, मारपीट जैसे करीब दर्जन भर मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। फरीदाबाद में भी रंगदारी करने की शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।